हमारे छत्तीसगढ़ से, जहां पहले सर्व आदिवासी समाज और अब ईसाई समुदाय ने विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। और अब क्रिश्चियन समाज ने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी। पहली बार ईसाई समाज ने बस्तर सरगुजा संभाग में अपने प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कैंडिडेट तो उतारेंगे, तीसरे विकल्प की ओर तो हम लोगों का झुकाव है। आज हम लोगों को एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, उससे हम लोग बहुत दुख है। बीजेपी भी लात मारती है, कांग्रेस भी लात मारती है, और जब गोल होता है तो पूरी पब्लिक हंसती है। क्रिश्चियन समाज के इस कदम पर बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, तो कांग्रेस आज सरकार हमको दो पार्टियों ने मिल करके मजबूर कर दिया है। धर्म की इतनी राजनीति हो रही है, धर्म को अपमानित किया जा रहा है, धर्म के ऊपर देश को बांटा जा रहा है, इसलिए मजबूरन आज आम आदमी को सड़क पे उतरना पड़ा और हमने अपना राजनीतिक दल बनाया है। हमारा मानना है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, खतरे में सिर्फ कुर्सी है। और कुर्सी को बचाने के लिए ये लोग हमको आपस में लड़ा रहे हैं। सर्ववादी दल एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को, सब लोगों को और सब दलित और जितने पिछड़ा वर्ग है, हमारे ST लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी आवाज़ को हम विधानसभा तक पहुँचाने के लिए तत्पर है। हम लोग 11 सीट पे लड़ चुके हैं और उसके बाद 4 हम लोग लोकसभा सीट पे लड़े हैं। हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, जिसको हमें कामना करते हैं कि आज हमारे लोग भी हमको पूरा समर्थन देंगे और हमारे प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि वहाँ पर मसीह समाज ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी लोकसभा का चुनाव मसीह समाज लड़ चुकी है। जी हाँ, इस प्रकार से वहाँ का सर्व आदि दल, जो एक मसीह समाज की पार्टी है, उनके जो अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी हैं, जी हाँ, और ये जो पार्टी है वो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और अभी वो सड़कों पर उतर चुकी है, क्योंकि लोग आज धर्म और राजनीति को मिक्स कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, सर्व आदि दल जो एक मसीही पार्टी है वो सड़कों पर उतर चुकी है, और वो बता रही है कि किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन केवल राजनीति के लिए कुर्सी का खतरा है। और मसीही लोगों को सताया जाता है, उनकी कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में मसीह समाज ने एक पार्टी जिसका नाम है सर्व आदि दल, उस पार्टी का नाम है, और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। अभी एक नई पार्टी है जो धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव को लड़ेगी। तो अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में सर्व आदि दल के जो अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी, वो एक पास्टर भी हैं और एक मसीह लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी को ऐलान किया गया है, पार्टी को बनाया गया है। तो सर्व आदि दल राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीकृत पार्टी है। इस पार्टी का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ शासन संविधान का पालन नहीं कर रही है, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, संविधान की रक्षा, मूल निवासियों की समता, जातिगत जनगणना के आधार पर ST SC OBC की हिस्सेदारी, धार्मिक अल्पसंख्यकों, जंगल जमीन अधिकारों की रक्षा करना एवं संविधान की रक्षा पार्टी के मुख्य उद्देश्य है। इस पार्टी का कहना है कि सरकारें समाज में आपस में लड़वा रही है, कब्रिस्तान के वायदों को पूरा नहीं किया, अल्पसंख्यक आयोग में ईसाई समाज का सदस्य नहीं बना और समाज को अपमानित किया है, 100 सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, खड़ी फसलों और घरों को लूटा जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, धर्मस्थलों को जलाने, सामाजिक बहिष्कार, FIR लिखा नहीं जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार के नीचे कोरवा में ईसाई समाज की 7 एकड़ जमीन को हड़प लिया है, इसीलिए क्रिश्चियन समाज ने एक पार्टी बनाया सर्व आदि दल। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये पार्टी विशेष करके मसीह लोग और अल्पसंख्यक है और सभी के लिए कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मसीह समाज चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके लिए समाज के प्रमुख लोगों ने सर्व आदि दल के नाम से रजिस्टर भी करवाया है। अरुण पन्नालाल जी ने कहा है कि सरकारें समाज को आपस में लड़वा रही है,
छत्तीसगढ़ में ईसाई जनसंख्या करीब 12 लाख है और ये पार्टी को प्रभु आशीष दे, मदद करे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड।